बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के बीच नहीं हो सका गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना के सामने कम से कम 100 सीटें देने की रखी थी शर्त। शिवसेना कोटे से केंद्रीय मंत्री रामदास कदम ने ठोकी ताल, कहा जेब में रखता हूं मंत्री पद का इस्तीफा, मातोश्री से इशारों में मिलते ही पद छोड़ देंगे शिवसेना के मंत्री। महाराष्ट्र में सरकारी दफ्तर और शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक कोटे हटाने के आदेश, रोक के आदेश, सर्कुलर जारी करने वाले अफसर को कारण बताओ नोटिस। सर्कुलर पर शिवसेना ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, शिवसेना के विरोध के बाद सरकार ने फैसला वापस लिया। बजट से पहले शिवसेना ने रखी खास मांग, कहा 5 साल तक की आमदनी हो आयकर मुफ्त। जयपुर में संजय लीला भंसाली की फिल्म के सेट पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं का बवाल, भंसाली के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज। फिल्मकार पर इतिहास के साथ खिलवाड़ के आरोप, भंसाली ने कहा इस देश में फिल्म बनाने के लिए झेलना पड़ता है अपमान। जोधपुर कोर्ट पेश हुए सलमान खान, 57 सवालों के जवाब में खुद को बताया बेकसूर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर लगाए पब्लिसिटी के लिए फंसाने के आरोप। जोधपुर कोर्ट में सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम की भी पेशी, बॉलीवुड सितारों ने अदालत में दर्ज कराए अपने बयान। जिया खान की मां राबिया खान को बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस, जिया को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी सूरज पंचोली के माता पिता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर मांगा जवाब। कोल्हापुर में कस्टडी में मौत के एक मामले में 3 पुलिसकर्मियों को हुई उम्रकैद की सजा, सनी पोबा नाम के आरपीआई कार्यकर्ता की 2014 कस्टडी में पुलिस की पिटाई से हुई थी मौत। 25 जनवरी को कश्मीर के गुरेज में हिमस्खलन से अकोला के 2 जवान शहीद, आनंद गवई और संजय खंडारे के घर गांव में शोक की लहर है। थाड़े में पुलिस ने 2000 के 32 नकली नोटों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 40 नकली नोट बाजार में खपा चुके थे आरोपी। मुंबई के चकाला में बीती रात एक मोबाइल शॉप में आग से अफरा तफरी, दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। भारत की अर्थव्यवस्था और निवेश पर नोटबंदी का नहीं होगा ज्यादा असर, जापानी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म नोमुरा का दावा। मार्च तक 9% हो जाएगी मुद्रा जीडीपी अनुपात, नोमुरा का दावा, नोटबंदी के पहले 11% था अनुपात। करीब 16% बढ़ा टाटा मोटर्स के ब्रांड जगुआर लैंड रोवर का भारत में आयात, एशिया में 8वां सबसे बड़ा बाजार। रिलायंस जियो के बाद भारतीय एयरटेल भी लॉन्च करेगी एलटीई सर्विस, अगले 1 से 1.5 साल में शुरू होगी सेवा। 174 अंकों की बढ़त के साथ 27,882 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 38 पॉइंट बढ़कर 8,641 पर हुआ बंद। सोने की कीमतों में 400 रुपए प्रति तोले की गिरावट, 29,150 रुपए प्रति 10 ग्राम का सोने का भाव हुआ। चांदी की कीमतों में दर्ज की गई 550 रुपए प्रति किलो की गिरावट, 1 किलो चांदी का भाव हुआ 40,950 रुपए। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दिलजीत से मांगी माफी, दोसांझ को फिल्म मेकर अवार्ड देने पर भड़के थे हर्षवर्धन। जवानों के उनके परिवार से संपर्क कराने के अपने आइडिया को लेकर होम सेक्रेटरी से मिले अक्षय कुमार, अक्षय को देखने के लिए लगी भारी भीड़।
फिल्म मुबारका में सामने आएगा अनिल कपूर का नया लुक। चाचा करतार सिंह की भूमिका में पगड़ी पहने आएंगे नजर।